नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर निष्ठा 3.0 के इस कार्यक्रम में है और इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सबको पता है कि इस माह जनवरी 2022 में कोर्स 7 और कोर्स 8 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण और कोर्स 8 सीखने के आकलन, इन दोनों कोर्स पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी उपस्थित है, नितिन तलुकर जी टेक्निकल जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। साथियों, आप सभी को पता ही है कि इन दोनों कोर्स को इस माह पूर्ण करना है और इन दोनों कोर्स को दीक्षा ऐप पर पंजीयन करने की तिथि होती है 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, और पूरे कोर्स को माह के अंत तक अर्थात 31 जनवरी तक पूर्ण करना होता है। कोर्स तब पूर्ण करना माना जाता है जब इन कोर्स को करने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, जैसे कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 20 प्रश्न में से न्यूनतम 14 प्रश्नों के सही जवाब देना होता है। यदि 14 प्रश्नों के सही जवाब दे देते हैं तो वह कोर्स पूरा होना माना जाता है, और यदि नहीं देते हैं तो आपको फिर से मौका मिलते हैं और आपको इस कोर्स को करने के लिए पूरे 3 अवसर प्राप्त होते हैं। तो आइए, आज हम कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण और कोर्स 8 सीखने के प्रतिफल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले सीखने के आकलन के बारे में जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो सीखने के आकलन के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, धन्यवाद साहू जी, और नमस्कार मित्रों। 2-3 बातें आपके सामने साहू जी ने रखी हैं। आकलन को लेकर जब बात होती है तो हमको अक्सर ये लगता है कि आकलन मतलब जांच की वह प्रक्रिया है जिसमें हम ये पता करते हैं कि बच्चा अभी कहाँ पर है, क्या सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया, और लंबे समय तक आकलन को हम परीक्षा का पर्यायवाची मानते रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आकलन जो है वो एक बाद में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम आकलन की बात करते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया की बात करते हैं जो सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलती है और शिक्षक को इस बात में मदद करती है कि वो देख पाए बच्चा जो सीख रहा है उसे वहाँ पर क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, किन जगहों पर उसे मुश्किलें आ रही हैं, और उन मुश्किलों को पहचान कर उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं इसकी समझ बनाएं, और उन तमाम चीज़ों का उपयोग अपने अध्यापन प्रक्रिया को बदलने में और उसे बेहतर बनाने में करें। साथ साथ अभी हमको पता चलता है कि विद्यार्थी अभी क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमको आकलन के माध्यम से होती है। तो ये जो सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की गई है और अभी हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आकलन के बारे में बहुत ही व्यापक और विस्तृत समझ बनाने में हमारी मदद करती है। यदि हम इसको ठीक तरह से समझ पाते हैं और अपनी अध्यापन प्रक्रिया में इसको शामिल कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा काम बेहतर होता है, फ्रूटफुल होता है, उपयोगी होता है, और बच्चे का सीखना भी आसान होने लगता है, बच्चे को सीखने में मज़ा आने लगता है। तो क्रमशः इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। आप यहाँ पर देखते जाएंगे, जो चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी उस पर हम बात करते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को समझें। तो आकलन के जो 4-5 उद्देश्य हैं उनमें प्रमुख रूप से ये हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो दस्तावेज आपके सामने आ रहा है उसको पढ़ने के बाद कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर विकसित होंगी इस पर हम पहले बात कर लें। तो पहला जो उसका उद्देश्य है, इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात आप सक्षम होंगे
आकलन को परिभाषित करने में आप समझ पाएंगे कि आकलन का मतलब क्या है। दूसरा है FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए आकलन की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है, इसका आप वर्णन कर पाएंगे, आप बात कर पाएंगे इस पर। आकलन के लिए अवलोकन की उपयोगिता और अवलोकन के तरीकों को समझने में आपको मदद मिलेगी। FLN के सुधार के लिए प्रभावशाली आकलन की समझ का प्रदर्शन करने में आपको मदद मिलेगी। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ाने में अभिभावकों और परिवारों की भूमिका की रूपरेखा बनाने में आपको मदद मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रक्रिया में हम बच्चे के अभिभावक और उनके परिवारों की भूमिका भी सुनिश्चित करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे इसको हम समझ पाएंगे। चलिए अगला बिंदु है आकलन की आवश्यकता और महत्व। इसमें आप देखेंगे कि आकलन की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, कैसे किया जाता है आकलन। तो इसमें जो खास बातें हैं जिस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है वो ये है कि प्रत्येक बच्चा अनूठा होता है, उसकी अपनी शक्तियाँ, योग्यताएँ और वृद्धि के क्षेत्र होते हैं। हम क्लास में जब काम करते हैं तो हमें लगता है सारे बच्चे एक साथ सीख रहे हैं और सारे बच्चे एक साथ ही जवाब देंगे। यदि कोई बच्चा धीमे सीखता है, उसकी सीखने की गति थोड़ी कम है या किसी कारण से वो कुछ अवधारणाएं नहीं सीख पाया है और कक्षा में बाकी बच्चों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाता तो हमें लगता है कि बच्चा पिछड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बात जो बिंदु है हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि हर बच्चा अलग ढंग से सीखता है, अपने आप में विशिष्ट है बच्चा। तो इस चीज़ को हम पहचानें और हमेशा याद रखें तो हमें हर बच्चे के साथ न्याय करने में सुविधा होगी और हमारी समझ विकसित होगी। आकलन से प्रत्येक बच्चे को बेहतर जानने में सहायता मिलती है। आकलन नियोजित, व्यवस्थित एवं संरचित होता है। हम इसको प्लान करते हैं, फिर उसकी अच्छी खासी व्यवस्था करते हैं और फिर इसका एक निश्चित स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना तैयार करते हैं और फिर उसको हम कक्षा में अप्लाई करते हैं। साथ ही यह पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का अभिन्न अंग होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम आकलन को बाद की प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन आकलन हमारे अध्यापन प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम और हमारी विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आकलन बच्चे के समग्र सीखने में सहयोगी होता है। शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान की सीखने के स्तरों के बारे में ठोस फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। हमें पता चलता है कि बच्चा अभी कहाँ पर है, उसकी मुश्किलें क्या हैं, कहाँ पर उसको कठिनाई आ रही है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसकी मुश्किलों को हम हल कर सकते हैं और कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आकलन क्या है, यहाँ से हम आकलन को समझने की शुरुआत करते हैं। अभी तक उसकी विशेषताएं देख रहे थे, अब हम आकलन के बारे में देखें। आकलन आखिर है क्या? हम जानते हैं कि साक्षरता और संख्या ज्ञान विकास की शुरुआत प्रतिदिन के संप्रेषण कार्यों, विचारों और शिशुओं, चलना शुरू करने वाले तथा छोटे बच्चों के बनाए चित्रों में ही अंतर्निहित होती है। बच्चे जो काम करते हैं, छोटे छोटे काम, वहीं से हम उनका आकलन शुरू कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए यह जरूरी है कि वे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में बच्चों की उपलब्धियों के अवलोकन के लिए आकलन के तरह तरह के उपयुक्त तरीके प्रयोग करें। ये जो आकलन के विविध तरीके हैं, आपको आगे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें आप देख पाएंगे आकलन कैसे कैसे हम कर सकते हैं कक्षा में। यदि हम भाषा पर काम कर रहे हैं या गणित पर काम कर रहे हैं या किसी और तरीके से बच्चे के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अध्यापन की प्रक्रिया के साथ साथ आकलन किस किस तरह से किए जा सकते हैं ये इस सामग्री में आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आकलन की सूचना का एकत्रीकरण और रिकॉर्डिंग भी शामिल है। देखिए कौन कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं, नीचे पांच बिंदु में दिए गए हैं। चल रहे शिक्षण और अधिगम का मार्गदर्शन, जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही है और बच्चे का जो सीखना चल रहा है उसमें हमको गाइडलाइंस मिलती है, उसमें हमको मार्गदर्शन मिलता है। FLN में सतत प्रगति का रिकॉर्ड रखने में मार्गदर्शन के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम बच्चे का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि एक क्लास में एक शिक्षक सारे बच्चों की प्रगति को देखकर हमेशा याद नहीं रख सकता। जो चीज़ें सामने आ रही है यदि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते चले, यदि उसको रिकॉर्ड करते चले तो आगे हमको काम करने में, बच्चे के बारे में कुछ निर्धारित करने में मदद मिलती है। प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन, FLN में प्रत्येक बच्चे की प्रगति के पोर्टफोलियो बनाए रखना, अभिभावकों और संबद्ध अधिकारियों को उपलब्धियों की रिपोर्ट देना, ये दो तीन महत्वपूर्ण काम है। एक तो हम अपने काम की निगरानी करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या सुधार करना है, बच्चे की निगरानी करते हैं,
हम देखते हैं कि बच्चे की मुश्किलें कहाँ पर हैं, उसके प्रगति का हम रिकॉर्ड रखते हैं, और अभिभावकों और अधिकारियों को जिनकी इसको आवश्यकता होती है उनको हम बच्चों की उपलब्धियों की रिपोर्ट देते हैं। आगे चले, सीखने के लिए आकलन, शिक्षण विधि और अवलोकन के लिए नियोजन। देखिए, शिक्षण विधि की बात यहाँ पर की जा रही है और अवलोकन के लिए हम कैसी प्लानिंग करेंगे इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर हैं। सीखने के लिए आकलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उपयुक्त शिक्षण विधि का नियोजन और ऐसे संसाधन, संसाधन माने सामग्रियां जिनको हम सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चों के खेलने की सामग्री हो सकती है, बाल साहित्य हो सकता है और FLN को समर्थन देने वाले खिलौने हो सकते हैं। दूसरा बिंदु है बच्चों के कार्य और खेल के ध्यानपूर्वक नियोजित स्वतः स्फूर्त अवलोकन द्वारा समर्थित हो। तीसरा बिंदु है सीखने के आकलन से बुनियादी अवस्था से आगे की FLN की कुल नियोजन तथा सीखने के वांछित प्रतिफलों के साथ शैक्षणिक प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करने में शिक्षकों का सहयोग किया जाता है। आगे चले, ये देखिए एक डायग्राम आपके सामने है, सीखने के लिए आकलन और शिक्षण विधि तथा अवलोकन का नियोजन। इसमें 5 बिंदु अलग अलग दिए गए हैं जो इस बीच में रखे हुए बिंदु से संबंधित है, उसको प्रभावित करते हैं। ये डायग्राम आपको अपनी सामग्री में मिलेगा, इसमें बहुत ध्यानपूर्वक देखें कैसे ये सारी 5 चीजें सीखने के आकलन और शिक्षण विधि तथा अवलोकन का नियोजन करती है। आगे चलते हैं, शैक्षणिक रीतियों यानी कक्षा में चलने वाली प्रक्रियाओं और आकलन के मध्य संयोजन। सीखने के अनुभवों का नियोजित होना आवश्यक है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कक्षा में दाखिल होने के बाद प्रत्येक बच्चे के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, ये बच्चा क्या क्या जानता है, उसकी भाषाई क्षमताएं क्या क्या हैं, वो क्या कहानियां जानता है, गणित के क्षेत्र में उसकी जानकारियां क्या क्या हैं, इत्यादि सारी बातें, उसके भावनात्मक, शैक्षणिक और तमाम तरह के विकास की अवस्था में कहां पर है, इस बात को इकट्ठा करना ताकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे काम में, बच्चे के साथ काम करने में हमारी मदद कर सके। दूसरा बिंदु है अभिभावकों के पास अपने बच्चे के बारे में ढेर सारी सूचनाएं होती हैं और प्रत्येक बच्चे के बारे में यह जानना कि वह किस तरह बोलता है, पढ़ता है, लिखता है या संख्या के साथ कैसे व्यवहार करता है, इससे शिक्षकों की सहायता होगी और वे इसी आधार पर आगे कक्षा में व्यवस्था करते हैं। देखिए, यह जो दूसरी बात है वो है कि जो हमारे अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनके पास बच्चों से जुड़ी हुई बहुत तरह की जानकारियाँ होती हैं। हम जब बच्चों से मिलते हैं तो हम कुछ प्रारंभिक जानकारियां पा सकते हैं, लेकिन यदि बच्चे के बारे में, बच्चे के माता पिता के साथ बातचीत की जाए, उसके परिवार के साथ बातचीत की जाए, तो बच्चे के बारे में हमको बहुत तरह की जानकारियां मिलेंगी। तो हमारा एक महत्वपूर्ण काम होगा कि हम अभिभावकों से मिलें और बच्चे के बारे में जो सूचनाएं मिल सकें उसको इकट्ठा करें, रिकॉर्ड करें। इस पूरी प्रक्रिया से बच्चे के साथ काम करने में हमें बहुत मदद मिलेगी, उसके लिए शिक्षण प्रक्रिया निर्धारित करने में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरा बिंदु है प्री स्कूल या बाल वाटिका या घर में बच्चों के साथ पहले के अनुभव जो पूरे किए होते हैं वे निश्चित तौर पर उनकी नई सीखने की स्थिति तक पहुंचने के मार्ग को प्रभावित करते हैं। ये बात मैंने पहले कही आपसे, छोटे बच्चों की प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकास के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उनके अभिभावक और शिक्षकों शिक्षक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं, जो बच्चा हमारे पास पहली कक्षा में आ रहा है या उसके पहले जहां पर पढ़ रहा था वो, या प्री स्कूल या बाल वाटिका में, तो वहां के जो शिक्षक हैं और जो बच्चे के माता पिता हैं, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों से हम बच्चे के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जो दोनों स्रोत हैं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों के खेल और कार्य का अवलोकन। देखिए, बच्चों के खेल का मतलब क्या है, कौन कौन से खेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से सामग्री में है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन और आकलन कैसे करते हैं, सबसे पहले बुनियादी साक्षरता के तहत मुद्रण जागरूकता तथा ध्वनि माध्यम जागरूकता यानी कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के आकलन के बारे में समझें। ये देखिए, एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है, मुद्रण जागरूकता तथा ध्वनि माध्यम जागरूकता, इसका अर्थ क्या है आगे आपको समझ में आएगा।
बच्चे सामान्य रूप से मुद्रण की अवधारणाओं को सीखने लगते हैं जब वे घर या स्कूल में उनका विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों जैसे कहानी की पुस्तकें, सूचना आधारित पुस्तकें और अन्य क्रमिक चित्र पुस्तकों के अनावरण से होता है। जब अभिभावक और शिक्षक कहानी को किताब से पढ़कर सुनाते हैं तो बच्चे उन्हें सुनते हैं और कहानी की पुस्तकों को देखते हैं। मुद्रण का अर्थ होता है पुस्तकों में वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। साथ ही बच्चे यह भी समझने लगते हैं कि एक वाक्य में शब्दों के बीच कुछ जगह होती है। ये कुछ प्रारंभिक बातें हैं। जब बच्चा पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है तो देखता है किताब का शुरू का पन्ना क्या है, पीछे का पन्ना क्या है, उसमें क्या सारी बातें दी गई है, चित्र कैसे बने हुए हैं। और जब आगे बढ़ता है तो पुस्तक में जो चीज़ें छपी हुई हैं, जो वाक्य छपे हुए हैं, तो वाक्य की संरचना कैसी है, वाक्य में जो शब्द हैं, शब्द वर्णों से बने हुए हैं और हर एक के बीच में कुछ खास शब्दों का अंतराल है। एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच एक अंतराल है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य या एक लाइन एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति के बीच अंतराल है। हम बाएं तरफ से दाहिने तरफ बढ़ते हैं, हमारी उंगलियां या हमारी जो दृष्टि है वो किताब में बाईं तरफ से शुरू होती है और दाहिने तरफ आगे बढ़ती है। किताब को हम खोलते हैं तो पन्ने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ खोलते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हम यहाँ पर हम मुद्रण जागरूकता इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि माध्यम जागरूकता के बारे में देखें आगे क्या कहता है। यहाँ पर उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ध्वनि माध्यम जागरूकता का इस अर्थ है कि जब हम कोई कहानी कह रहे होते हैं तब बच्चा कैसे ध्यान से उन बातों को सुनता है, क्या उसका ध्यान उसकी आंखें हमारे चेहरे की तरफ है, क्या उन शब्दों को समझ पा रहा है बच्चा, क्या उन शब्दों को समझ कर उसका अर्थ निकाल पा रहा है, क्या उसके आगे की कल्पना कर पा रहा है, ये उस दूसरे वाले शब्द का अर्थ है। आगे देखें कक्षा पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र। यहाँ पर जो क्षेत्र का नाम बार बार लिखा गया है वो कक्षा में निर्धारित किए हुए ऐसे स्थानों से है जहाँ पर हम अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करते हैं। तो उसमें से एक जो महत्वपूर्ण गतिविधि का केंद्र है वो है पुस्तकालय। यहाँ पर तीन खंड हैं, पठन या पुस्तक क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, पुस्तक निर्माण क्षेत्र। तीन अलग अलग क्षेत्र हैं जो कक्षा पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न आयु और विकासात्मक उपयुक्त बाल पत्रिकाएं, सूचना पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, क्रमिक कहानी पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, स्थानीय लोक कथाएं, खिलौने, कठपुतलियां, रंगमंची सामान, विषय आधारित पुस्तकें, कॉमिक्स यानी चित्र कथाएं, लिखने के उपकरण जैसे अलग अलग प्रकार की पेंसिलें, क्रेयॉन्स, लाइन और बिना लाइन के कागज आदि होने चाहिए। मतलब बच्चे के उपयोग के लिए वो सारी चीज़ें जो उसके लिखने पढ़ने देखने में उसकी मदद कर सके, ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में रखी जा सकती हैं। क्या अवलोकन किया जाए? देखिए, अगर इस क्षेत्र में हमने बच्चों को अवसर दिया है काम करने का, बात करने का, तो अब बात आ रही है कि हम अवलोकन किन किन चीज़ों को करें। तो देखिए, क्षेत्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि विश्लेषण नीचे है। पुस्तक का चयन, क्या बच्चा स्वयं पुस्तक का चयन कर रहा है, क्या उसे मदद की जरूरत है, बच्चा किस प्रकार की पुस्तक पुस्तकालय से लेना पसंद करता है। ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिसको हमको ऑब्जर्व करना है। इससे बच्चे की रुचि, उसकी पसंद, उसकी क्षमता के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ है बच्चे कैसे पुस्तक का चयन करते हैं, क्या उसमें इसकी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है या खुद से इस काम को करता है। दूसरा बिंदु है पुस्तक का चयन करने के बाद पुस्तक को पढ़ना। बच्चा पुस्तक के विषय वस्तु पर कैसे ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्या वो चित्र देख रहा है, क्या वाक्यों को उंगली से अनुरेखित कर रहा है या वाक्यों के साथ साथ अपनी उंगलियां चला रहा है, क्या बाईं से दाईं दिशा की ओर जा रहा है, ये उसने देख लिया है, सीख लिया है क्या कि जो शब्द वाक्यों में व्यवस्थित किए गए हैं उनको हम बाएं से दाएं हाथ की तरफ जाते हैं पढ़ते हैं। अक्षरों को पहचानने की कोशिश कर रहा है, शब्दों और वाक्यों को पढ़ रहा है, क्या क्रम से पुस्तक पृष्ठ पलट रहा है, ये सारी चीज़ें हमको अवलोकन करनी है। लिखने से संबंधित अवलोकन क्या क्या होंगे इसको आप देखिए। क्या बच्चा घसीटे मारकर लिख रहा है या काटे पीटी कर रहा है, उन्हें लेवल कर रहा है, या बच्चा पुस्तक का कोई पात्र या चित्र बना रहा है, क्या बच्चा नकल करके लिख रहा है। कृपया याद रखें कि नकल लिखना लेखन की एक अवस्था है, इसे हम अन्यथा समझकर उसे मना न करें। लिखने की शुरुआत का एक तरीका है कि जो चीज़ें किताब में लिखी हुई है उसको खुद से लिखने की या उसको देख कर लिखने की कोशिश कर रहा है बच्चा, ये लिखने की एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बच्चों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, खास तौर से जब वे इसे अपनी इच्छा से कर रहे हों।
देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बार हमको अपने बच्चों को फोर्स करना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है, उसे कहना पड़ता है बार बार तुम ये काम करो तुम वो काम करो, लेकिन इन जो ऊपर आपने दो तीन काम देखे यदि इनको बच्चा अपने मन से कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सीखने के प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें हमको उसकी मदद कर रही है। आगे चले, डॉग बिल्डिंग, ये दूसरा क्षेत्र है। पहला क्षेत्र किताबों से संबंधित है जहां पर हमने पढ़ने लिखने की बात की। दूसरी जो जगह है, दूसरा जो क्षेत्र है वो ब्लॉक बिल्डिंग का है। अब देखिए इसमें क्या बातें हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार, रंग, आकार और माप के ब्लॉक्स होने चाहिए, जैसे यूनिफिक्स ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स आदि। ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र बच्चों के सामाजिक भावनात्मक कौशलों का अवलोकन करने के लिए अच्छा स्थान है। क्या बच्चा अन्य बच्चों के साथ काम करता है, ये एक बहुत बड़ा गुण है जिसको हम 21वीं सदी में के लिए जो विकसित किए जाने वाले गुण हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण गुण है कि ये दूसरे बच्चों के साथ काम करता है। क्या सामाजिकता का विकास की शुरुआत यहीं से होती है। ब्लॉक साझा करता है, विचारों को स्वीकार करता है। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने विचारों को थोपना या अपने विचार को जिद के रूप में पकड़े रहना अक्सर हर मनुष्य की आदत होती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण की बात की जा रही है, वो दूसरों की बातों को सुनता है, स्वीकार करता है, नए विचारों तरकीबों पर काम करता है, जरूरत पड़ने पर वयस्कों या अन्य साथियों से सहायता लेता है आदि आदि। ये देखिए दूसरा क्षेत्र है ब्लॉक बिल्डिंग। ब्लॉक बिल्डिंग शब्द आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप देखे होंगे कि बच्चों के पास बहुत तरह के चौकोन या अलग अलग आकार के गुटके होते हैं, लकड़ी के, प्लास्टिक के, उनको मिलाकर विभिन्न तरह की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। कुछ गुटके ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में फंस जाते हैं, इसको हम इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स के नाम से पहचानते हैं। ऐसे खिलौने आपने जरूर देखे होंगे, चित्रों के कार्ड्स भी इस तरह के हो सकते हैं। बहुत तरह के ऐसे टुकड़े, रंगीन टुकड़े, प्लास्टिक के, लकड़ी के टुकड़े, जिनको मिलाकर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं, ज्यामिति आकृतियां हो सकती हैं, बच्चा बस ट्रेन जैसी कोई चीज बना सकता है, मकान बना सकता है। तो ऐसे टुकड़ों के साथ जब काम करता है तो वो एक दूसरे क्षेत्र के रूप में यहाँ पर बात कही जा रही है। तो पहला क्षेत्र किताबों से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित था। दूसरा क्षेत्र ब्लॉक बिल्डिंग से संबंधित है, वहाँ बच्चा भाषाई योग्यताओं के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक सामाजिक जो गुण होते हैं बच्चे के, कि दूसरों की बातों को सुनना, उनके विचारों को स्वीकार करना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, कुछ नया क्रिएट करना, इन इस तरह की जो दक्षताएं हैं या कौशल हैं बच्चा अपने अंदर विकसित करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब बात की जा रही कि हम ऐसे क्षेत्र में यदि बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो किस चीज का अवलोकन किया जाए। देखिए कुछ बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र में शिक्षक के पास यह अवलोकन करने के अनेक अवसर होते हैं कि बच्चों ने कैसे विभिन्न संवेदी और बोधात्मक अवधारणाओं को आत्मसात कर लिया है। ये बात आप उसे काम करने के दरमियान देख सकते हैं कि वो कैसे सोच रहा है। जब काम कर रहा है तब पता चलता है कि उसके अंदर क्या सोच चल रही है। बच्चा ब्लॉक्स के साथ क्या कर रहा है, मीनार बना रहा है, वाहन बना रहा है, कार, बस, ट्रेन, या एक मीनार का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बच्चा ब्लॉक्स को उनके रंगों या आकार के आधार पर संगठित कर रहा है। क्या कोई नमूना या पैटर्न दिखाई दे रहा है। बच्चे को इस संरचना बनाते समय ऐसा कुछ अपने मन में जानते समझते सोचते हैं। क्या बच्चा बहुत छोटे ब्लॉक्स, बड़े ब्लॉक्स, डोमिनोज के साथ काम कर पाता है। इस क्षेत्र में खेलते समय क्या वह जटिल इंटरलॉक्स, एक्स्ट्रा आदि को संचालित कर पाता है। ये तमाम तरह की चीजें हम बच्चे के काम करने के दरमियान अवलोकन कर सकते हैं। उसके साथ एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर और लिखी हुई है। क्या बच्चे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऊपर, में, नीचे, बड़े ब्लॉक्स, छोटे ब्लॉक्स, विभिन्न आकृतियों के लिए लेवल आदि का प्रयोग। ये उन अवधारणाओं को व्यक्त करने में भाषाई जो शब्द होते हैं, एक गणितीय शब्द होते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं कि ऐसी शब्दावली उसके वाक्यों में, उसके बातचीत में शामिल होना शुरू होती है। तो इन तमाम तरह के अवसरों के लिए हम वहां पर अवलोकन कर सकते हैं। आगे गणित या हस्त कौशल, मैनिपुलेटिव क्षेत्र, ये देखिए तीसरा क्षेत्र आ गया। इसमें हम गणित या हस्त कौशल से संबंधित क्षेत्र के रूप में इसका नाम देते हैं। इस क्षेत्र में पहेलियां, मिलान कार्ड, लेसिंग कार्ड, डोरी और बोती, जोड़ तोड़ वाले खिलौने और छोटे खिलौने, जैसे कार, ट्रक, पशु, लोगों की आकृतियां और परिवेश से संबंधित अन्य वस्तुएं रखी जाती है। यहाँ हम क्या अवलोकन करें, बिल्डिंग ब्लॉक क्षेत्र की भांति यह गणित या हस्त कौशल क्षेत्र भी बच्चों को विभिन्न सामग्रियों को प्रयोग करते हुए गणितीय और संवेदी
बोधात्मक अवधारणाओं को खोजने के अनेक अवसर प्रदान करता है। इसलिए यह क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अपरिपक्व आकलन उपलब्ध कराता है। बच्चों की आयु को देखते हुए अवलोकन करें, किन किन बिंदुओं का अवलोकन करें, देखिए आगे, क्या बच्चा एक पतले धागे या डोरी में मोती पिरो सकता है? बड़े मोती पतले धागे या मोटे धागे में पिरो सकता है? क्या मोती पिरोते समय धागों का आकार या कोई नमूना बनता है? अन्य खिलौने के लिए, क्या बच्चा जंगली और पालतू पशुओं को अलग कर सकता है? वर्गीकरण की बात की जा रही है यहाँ पर, वो देख पा रहा है कि जो बहुत सारे जानवरों के खिलौने हैं उनमें से कौन कौन से खिलौने या कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो समूह में रहे, गांव में, शहरों में देखे जा सकते हैं, वहां पाले जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं। ये वर्गीकरण की गुण की बात, पहचानने की बात हो रही है यहाँ पर। सब्जियों और फलों के खिलौने अलग करता है। देखिए, सब्जी और फल दोनों चीजें वनस्पतियों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन फल और सब्जी दो अलग अलग कैटेगरीज बना पाता है, पहचान पाता है, परिवार के विभिन्न सदस्यों को पहचानता और नाम देता है। जल, थल और हवा में चलने वाले वाहनों का उनका वर्गीकरण कर पाता है। उनकी गति, मोटर इंजन का प्रयोग करने या साइकिल, बैलगाड़ी जैसे चलने के लिए श्रम का प्रयोग होता है, अलग कर सकता है। देखिए, कैटेगराइज करने का, वर्गीकरण करने का कितना कितना कितने कितने क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं। क्या जल में चलने वाला वाहन है, थल में चलने वाला वाहन है, हवा में चलने वाला वाहन है? यदि वो अलग अलग समूह में उनको रखता है तो हम बात कर सकते हैं कि तुमने नाव को मोटर से अलग क्यों रखा है भाई, या इसको हवाई जहाज को तुमने इन दोनों के साथ क्यों नहीं रखा। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर जो तर्क चल रहा है वो सामने आता है, वो बता पाता है कि मैंने इनको अलग इस कारण से रखा है। वैसे अलग अलग वर्गीकरण के कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं, उनकी गति हो सकती है। क्या कुछ उपकरण, क्या कुछ साधन ऐसे हैं जो मोटर से या इंजन का प्रयोग करने चलते हैं? कुछ साधन क्या ऐसे हैं जो स्वयं श्रम करके या किसी पशु के श्रम से चलते हैं, जैसे साइकिल और बैलगाड़ी या रिक्शा वगैरह? तो इन अलग अलग क्राइटेरिया के माध्यम से यदि वो चीज़ों को, खिलौनों को अलग अलग कर पाता है, तो आप समझ जाइए कि बच्चा दी हुई बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर, वो गुण भी खुद से निर्धारित करता है, उनको अलग कर पाता है। देखिए, कुछ अतिरिक्त गतिविधियां आकलन के प्रकार के बारे में बहुत सुंदर ढंग से चित्र में हमको समझाया गया। आकलन के क्या कितने कितने प्रकार हो सकते हैं, ऊपर सबसे देखिए अवलोकन, टिप्पणी की डायरी बनाना, उसके दाहिने हाथ तरफ देखिए जांच सूची बनाना, रेटिंग स्केल्स, वीडियो टेपिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, रूब्रिक्स बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, ये 6 कैटेगरीज दी गई हैं। इनमें से हम अलग अलग का उपयोग अलग अलग स्थान पर कर सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें मदद करेंगी आपको आकलन के लिए। आगे चलते हैं आकलन के प्रकार। देखिए, जो चीजें वहां पर डायग्राम के रूप में दी गई थी वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अवलोकन की डायरी बनाना, जांच सूची, रेटिंग स्केल, वीडियो टेपिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रूब्रिक्स बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, इनके बारे में विस्तार से आप अपनी सामग्री में पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो साथियों, थैंक यू, इतनी सामग्री थी आपके साथ बातचीत करने के लिए। कहीं पर बात इनको पढ़ते समय कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप SCRT से फोन से इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी सीखने के आकलन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन कौन से माध्यमों से किया जाता है, इन सारी बिंदुओं पर आपको विस्तृत जानकारी अभी डॉक्टर श्रीवास्तव जी दे रहे थे। आपको पता ही है ये सारी जानकारी दीक्षा ऐप पर कोर्स 8 के नाम से आपको मिलेगा, जिसको आप पढ़ेंगे। इन कोर्स पर इसके अलावा आपको ऑडियो, वीडियो, ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी, और उन सभी को देखने के बाद, उन सभी को पढ़ने के बाद, उन सभी को अध्ययन करने के बाद, उन सभी को अध्ययन करने के बाद आप सबको आकलन के बारे में एक अच्छी समझ बनेगी, और अच्छी समझ बनेगी तो हम विद्यालय में आकलन कैसे करें जिससे बच्चा सीखे, ये हमारा उद्देश्य रहे।